हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सबके संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। हम कहत हैं कि जिए वाला के मृत्यु से पहले केहू मार ना सके और मृत्यु आवे पर केहू ओके टाल ना सके, लेकिन शमरासुर जैसन मूर्ख जे मृत्यु के अपन दासी समझे के भूल करके खाली अपन अज्ञानता के प्रदर्शन करेला और स्वयं के छलत रहेला। आपके ये अनमोल वचन सुनके हमरा अंतर मन में आयल शंका के बाढ़ अब शांत हो चुकल है। माने अब आप प्रद्युम्न की तरफ से एकदम निश्चिंत हो गली ना? हाँ भगवन, और अब हम ई देखल चाहत हैं कि शंभरासुर प्रद्युम्न के रूप में अपना मृत्यु के कैसे परवान चढ़ावता। प्रतिहारी, हमारे विशेष रसोईया भानासुर के हमार संदेश था, कहा कि महल में अभय उपस्थित होखस, महाराज एक विशेष मछली के विशेष व्यंजन तैयार करे के आज्ञा देलन हा। भानासुर के हमार संदेश था, जा। जे आज्ञा। ईश्वर, हे जगत के पालनहार, तू ही जन्म देवेला, तू ही मृत्यु देवे वाला हवा। हमार गोदी कब से सुन बा, तू ओकरा के भर दे, जल्दी भर दे प्रभु। ता तू पहले से ही पूजा करत रहो। हाँ, तब तक काहे न सुनलन तोहार भगवान विष्णु तोहार प्रार्थना। ऐसे कि तू हमरा साथे प्रार्थना ना कैल, तू खाली एक बार हमरा साथे भगवान विष्णु के आराधना कर, वो हमार प्रार्थना जरूर सुनी है। ना, ये ना हो सके। भानासुर,
भाणासुर भाणासुर का करत बड़ा? कुछ ना, तू राजमहल छोड़ के यहाँ का करत बड़ा? असुरेश्वर तोके तुरंत उपस्थित होके के आज्ञा दिले हैं और तोहार आज के छुट्टी रद्द कइल गइल बा। रद्द हो गइल बा? पर काहे? राजमहल में और भी तो दूसर रसोईया बाड़न। बाड़न असुरेश्वर के एगो बहुत बड़ मछरी भेंट में मिलल हा और आप मछरी के व्यंजन बनावे के विशेषज्ञ हैं। ऐसे महाराज आप दोनों के ई विशेष काम सौंपले हैं। चली चली महल में महाराज भोजन के और रसोई में मछरी आपके प्रतीक्षा कर रहल है। चली चला चली चला इतना बड़ मछरी एके हम काटब कैसे? बड़ मछरी खातिर इला बड़का छुरा, एकर हम दू भाग करब। एक भाग हम काटब, एक भाग तू कटिहा। ल हाँ। चला अरे का भइल, काटा ना स्वामी, एकर पेट देखत बाड़ा कतना बड़ बा। ई जरूरे गर्भवती है ना, हम एके ना काटब। अरे पगली, जदी मछली गर्भवती भी होई तो एकर पेट से अंडा निकली, बच्चा थोड़े निकली। चला काटा एकरा जल्दी से, हमके पहले से ही बहुत देर हो चुकल बा। हम एके ना काटब। बच्चा हमके दे दा। अब तू हो प्रार्थना कर। अरे अरे का कहत हो तू? पता नहीं केकर बच्चा हा जेकरा तू आपन कहत हो, और फिर एकर श्रेय भी भगवान विष्णु के देत हो। कुछ भी होके ये हमार श्रद्धा हा कि भगवान विष्णु के ही उपहार बा। ये झूठ के तू भगवान विष्णु के उपहार कहत हो? आपन निराश ममता के ए झूठ के आज से समझावत हो? कितना भोली हो तू। आज तक तू हमरा से छुप के ओ गुड़िया के छाती से लगा के मन के बहलावत रहलू। अब तो हार पागलपन खातिर एगो सचमुच के ही गुड़िया मिल गई बा। हमार मन तो ना मान सके कि हमार लड़का है। सब कुछ माने से होला स्वामी, माना तो फूल है ना तो माटी और धूल है। बाकी माने खातिर कोनो तथ्य तो होके के चाही ना, तो तू एके जन्म दिलू और ना तो तू एके दूध पिलावलू।
फिर माई बेटा के संबंध के केहू भला काहे मानी। लवा है लड़का के हमरा द, महाराज के लगे ले जाके सब सच सच बता दे। ना ना, हम तो के ऐसे अनर्थ ना करे दे। ई लड़का त भगवान विष्णु के दिव्य उपहार हा, उनकर पूजा करके हमके ई मिलल हा, हमरा भाग से हमके ई मिलल हा। फिर ई लड़का, ए लड़का के तो मछली के पेट में ही खत्म हो जाए के चाहत रहे, और फिर ई मछली हम लोग के पास काटे खातिर काहे आयल, दूसरा रसोईया के पास भी तो जा सकत रहे। एने हम लड़का खातिर भगवान विष्णु की आराधना करत रही, और उधर भगवान विष्णु हमरा खातिर लड़का के प्रबंध करत रहन। ई खाली लड़के ना, भगवान विष्णु के लीला भी है, और आप ए लीला के नकारत हैं, हमसे छीन के ले जाए चाहते हैं हमरा लड़का के। ना ना, हम तो के ऐसा ना करे देव। ई लड़का तो हमार माथा पर लागल बांझ बन की कलंक के मेटावे आयल बा, हमार गोदी के अनहरा के उजाला में बदले आयल बा। तोहरा भाऊ खोखे से वास्तविकता तर ना बदल सकी, कहे कि तू ए लड़का के ना तो जन्म दिलू और ना ही तुहे के दूध पिलाऊलू। लावई बच्चा हमके दे दा। ना। लावई बच्चा हमके दे दा। ना, ना स्वामी, स्वामी, ये लड़का हमार है, एके हमके दे दा। ना। स्वामी। ना। ये बच्चा हमके दे दा स्वामी। ना। हो रहल बा, का भइल भानामती? स्वामी, ये देखी भगवान विष्णु के एगो और लीला। लीला? हाँ, ये भगवान विष्णु के लीला ना हो ता और का हा? ए बालक के अवते हमरा छाती से ममता के गंगा बहे लागल, दूध के नदी मचल रहल बा हमरा छाती में, जबकि ई बालक हमरा कोक से जन्म नहीं खेले ले। ये तो सचमुच चमत्कार हो गई। लाई, ये बच्चा हमके दे दी ही, ये आपन अधिकार मांग रहल बा, हम एकरा एकर अधिकार दे दी ही, पता ना कब से भूखा बा। अब तो आपकी शिकायत दूर हो गई ना, अभी बच्चा हमार दूध पी के हमार हो गए, अभी अभी हमार बच्चा है, और जब हम एकर माई बन गई ली तो आप एकर पिता बन गई ली ना। हाँ भानामती। तब फिर आप एगो वचन दी ही के आप केहू के ना बताए कि ये बच्चा हमके मछली के पेट से मिलल हा। हम तो के वचन देते हैं। आपके ये वचन हमार माथा पर लागल पांचपन की कलंक के हमेशा खातिर मिटा दी ही। हे भगवान विष्णु,
आपके ए उपहार खातिर कोटि कोटि धन्यवाद। चला, असुरेश्वर हम लोग की प्रतीक्षा करत हुई हैं। प्रणाम असुरेश्वर। प्रणाम महारानी। आयुष्मान भव। महाराज, ये हमार पहला बेटा है, ऐसे हम आप दोनों के आशीर्वाद लेबे आयल हैं। लाओ, हमू देखी तुहार बेटा कैसन बा। ए तोहार बेटा हा? हाँ महाराज, ये हमरे बेटा हा। ए बालक बड़ा शूरवीर लागता। महाराज, आप एक लंबा आयुर के आशीर्वाद दी ही। आयुष्मान होखा ली महारानी, आप भी देखी हैं लड़का के। बधाई होखे भानासुर। बधाई होके भानामती, तोहके पुत्र रत्न के प्राप्ति भेल, ई देख के हमके परम संतोष भेल। इला, हमार तरफ से तोहार बेटा खातिर भेंट। का नाम रखले वाला तू अपन बेटा के? महाराज, अभी तक नाम नहीं रखले। काहे भानासुर? यदि आप और महाराज एक आशीर्वाद दी ही और आप दोनों एकर नामकरण कर दी ही तो हम धन्य हो जाए महारानी। महाराज शमरासुर जैसन परम प्रतापी, बलशाली, शौर्यशाली और महावीर के आशीर्वाद यदि हमार बेटा के प्राप्त भइल तो भविष्य में हमार बेटा भी वीर बन के दुष्टन के नाश करी। जरूर करी, जरूर करी। तोहार बेटा बड़ हो के शत्रु के सर्वनाश करी। महाराज, एकर नामकरण तो करी। जरूर, हम एकर नाम प्रद्युम्न रखा था ही। प्रद्युम्न? प्रद्युम्न? प्रद्युम्न, अच्छा नाम बा। धन्यवाद महाराज। ल भानामती। प्रद्युम्न। आज्ञा दी महाराज। महाराज, आप ही कैसन नाम रख ली? काहे मायावती, आपके ही नाम पसंद ना आइल? लेकिन प्रद्युम्न तो वसुदेव श्री कृष्ण के बेटा के नाम रहे। का भइल, भानासुर और भानामती के बेटा के देख के न जाने काहे हमके कृष्ण के बेटा याद आ गई। यही से हम ओकर नाम प्रद्युम्न रख देली। बाकी अब शत्रु पुत्र के नाम ए महल में गूंज के
शत्रु के याद दयावत रही। ना मायावती ना, शत्रु के याद ना, शत्रु पर हमार विजय के याद दिलावत रही। प्रद्युम्न जेकर हम वध कैली और उ ग्वाला के जेके हम परास्त कैली। लेकिन महाराज, ए नाम से ना जाने काहे हमार मन व्याकुल हो रहल बा। का जाने काहे भय लागता हमके। भय? असुरेश्वर के पत्नी के एगो बालक के नाम से भय लागता? शंबरासुर जे स्वयं त्रिलोक के काल हा, ओकर पत्नी के एगो लैका से भय लागता? देवऋषि, प्रद्युम्न रोवत आरन। चिंता मत करी देवी, ओकर माई मतलब भानामती ओके चुप करा दी हैं। अरे 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 अरे, आपके ध्यान नहीं की प्रद्युम्न कतना रो रहल बा? भानामती, आज राजगुरु महाराज शंबरासुर से मिले आ रहल बाड़न, उनका खातिर भोजन बनावत हैं। यदि तनिक भी विलंब हो गई तब महाराज के क्रोध के शिकार होके के पड़ी। ऐसे तू प्रद्युम्न के सम्हारा, हम भोजन बनावत हैं। ना रोई के अले अले, ना रोई के, ना रोई के। आई गुरुदेव। देवऋषि, शंबरासुर से मिले राजगुरु काहे आइल बाड़न? नारायण नारायण, आपके सवाल के जवाब आपके जल्दी मिल जाए देवी। पहले राजगुरु और शंबरासुर के भेंट तो होके दी। देवऋषि, राजगुरु के देख के हमरा मन में भय के आंधी जैसन काहे उठ रहल बा? शंबरासुर के राजगुरु के तेजस्वी चेहरा और उनकर तेजस्वी आंख बता रहल बा कि वो ज्ञानी हवन, तपस्वी हवन। नारायण नारायण, गुरुदेव आप रुक काहे गईली? का भइल? हमके राजमहल पर संकट के करिया छाया दिखाई दे रहल बा। बाकी हमके तो ऐसन कुछ दिखाई नहीं के देत गुरुदेव। तोके उ छाया ना दिखाई दी युवराज कुंभ केतु? यदि करिया छाया बा भी ता एमे चिंता के कौन बात बा गुरुदेव? ई छाया घोर संकट के प्रतीक बा। राजमहल पर अवश्य कोनो विकट समय आवे वाला बा। विकट समय, घोर संकट? हाँ। जय शिव शंकर, जय महादेव। प्रकट हो जा, हमरा सामने प्रकट हो जा।
के बाड़ा तू हम हैं काल हम काल है मृत्यु के साक्षात रूप है हम हम हैं मृत्यु लोक के अंतिम सत्य मृत्यु कृष्णा